से जैसा आंदोलन को आम आदमी का आंदोलन को उचलने के लिए क्या क्या तरीका लेता है, बंगाल में देख, बंगाल का बारे में सुना, त्रिपुरा का बारे में सुना। त्रिपुरा में सत्ते में भाजपा और भाजपा का दल जोट है, आईएफटी का, आईएनएफटी का उसने क्या कर रहा वो भी आपने सुना है। हम ज्यादा बात बताने नहीं चाहते, हम थोड़ा आपका सामने में थोड़ा इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं। बंगाल का जो चुनाव हुआ, जो चुनाव हुआ पंचायत का, इसमें क्या हुआ ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बंगाल में पंचायत चुनाव में 58,692 ये सीट है, इसमें देखा ही जाता है जो जिसमें ग्राम पंचायत, गांव पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, इसमें 58,692 का आसन में 92 आसन में दिखाई जाता है और 20,159 आसन में कोई चुनाव नहीं हुआ। कोई चुनाव नहीं हुआ क्यों? कोई उम्मीदवार को खड़ा होने नहीं दिया, जो कंटेस्ट करने के लिए उम्मीद किया था उनको भी जबरदस्त उठा लिया। ऐसा 20,159 आसन में उल्लू बिना वोट से जीता है। इसका जो परसेंटेज जो है कितना परसेंटेज, 34.35% भारत में बल्कि तमाम दुनिया में कभी कोई चुनाव में नहीं दिखाई दिया जो 34 दशमिक से ज्यादा ये वोट नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। बंगाल में ये जो चुनाव था ये 9th पंचायत इलेक्शन था। हम देखा जो 8th पंचायत इलेक्शन जिसमें वामपंथिया ने भाग लिया और तृणमूल सरकार सत्ता में आने का बाद ही हुआ 13 साल में। उस टाइम क्या था, उस टाइम देखा जाता है 10.5 दशमिक आसन में उनको चुनाव नहीं करते हुए जीत हुआ था। लेकिन उसका आगे 2008 में जब वामफ्रंट सत्ते में थे, अनकंटेस्टेड कितना हुआ, 1 दशमिक अनकंटेस्टेड हुआ था, 1.2 दशमिक 3 दशमिक ये बिना कंटेस्ट में जितना पंचायत 58,000 सीट में है ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब 8-10 बन जाता है वो बड़ा बात हो जाता है। लेकिन ये मतलब में चुनाव में 34 दशमिक हुआ तो चुनाव हुआ, इसका बारे में हमारा एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बयान दी, तो बयान तो सुप्रीम कोर्ट दिया लेकिन कौन सुनता है, ये चुनाव नहीं हुआ कोई सुनता नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जनतंत्र को खतरे में निकालने के लिए जो शुरुआत हुआ 2011 साल वाम मोर्चे हारने का बाद जो रिजल्ट निकालिया 14 मई 2011 में,
14 में रात को जीतन नंदी और पूर्णिमा घोड़ी रात में उसको खत्म किया और उसी से शुरुआत करते हुए 2018 में देखा जाता है 207 हमारा साथी हमारा नेता हमारा सक्रिय कर्मी इनको कुचल दिया, वहां चेयर हो गया, शहीद बना दिया। अब देखिए एक दिन 14 में चुनाव का अगले दिन 6 आदमी को शहीद बना दिया। तो हम नाम कैसे हमारा पहले जो बोला इसने उठाया जो एक कपल को देवू दास और उषा रानी दास इनको चिंता जला दिया, जिंदा लाश बना दिया। और उसका बाद देखा जाता है 14 तारीख को तैमूर रहमान ओपू मन्ना जगेश्वर घोष और विष्णु टूडू जगेश्वर घोष ये जनरल कम्युनिटी है लेकिन विष्णु टूडू ट्राइबल है और वही बोल से रमजान मिया मुसलमान और सक्रिय कर्मी है इनको शहीद बना दिया। 207 हो गया, अभी और कितना होगा हम नहीं जानते हैं। बंगाल और त्रिपुरा में ये साल जो चुनाव हुआ भाजपा ने जीता, भाजपा तो अकेला नहीं जीता, वो जो हमारा भारत जनता में बीच पैदा करते जो जनता में विभेद पैदा करते वो विभेद का पैदा करने वाले INFT उनका साथ जुड़ा हुआ सरकार बनी। और हम देखा बनने का बाद जो शुरुआत हुआ कांग्रेस लेनिन का जो स्टैचू है उसको तोड़ने किया, इससे क्या मालूम होता है लेनिन का स्टैचू तोड़ने का मतलब जो वामपंथीय राजनीति को खिलाफ में चलना पड़ेगा निशाना दे दिया। और उसका बाद दिखाई दिया जो फास्ट में इंटरनेशनल वॉचमैन डे वो जो कार्यक्रम मे डे का कार्यक्रम करने नहीं दिया। और ऐसा भी है जो 200 साल जन्म का 200 साल काल मठ ये कार्यक्रम भी नहीं करने दिया। तो मतलब क्या होता है वामपंथीय पार्टी का काम में रुकावट दो उसको खत्म करना पड़ेगा। जनतंत्र में कभी ऐसा चलता है लेकिन चल रहा। तो सही ढंग पर आपने आवाज उठाते हैं इसको बंद करना पड़ेगा।